नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जुए में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सावन का चौथा सोमवार जो आखिरी और लास्ट है, तो उस सोमवार के दिन हमें कौन कौन से कार्य कर लेने हैं। जितनी भी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, ध्यान रखेंगी, अगर तीन सोमवार आपने नहीं किया हुआ है तो आप चौथा सोमवार पक्का कर लीजिएगा। और उसमें कौन कौन से कार्य हमें करने हैं वो सभी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगली चीज़ क्या है कि अगर आपके घर सूतक पातक पड़ जाता है तो क्या हम सोमवार का व्रत कर सकते हैं, मतलब किसी की मृत्यु वगैरह हो जाती है तो हम आखिरी कर सकते हैं, हम तीन कर चुके हैं तो चौथा सोमवार हम कर सकते हैं। इसी प्रकार के कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें और उपाय, शादी के लिए भी मैं कई ऐसे उपाय बताऊंगी। आप लोग अगर कर लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो आगे से लास्ट और आखिरी सावन का सोमवार है, पक्का कर लीजिएगा। तो इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो कौन कौन से नियम हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं कि सावन का आखिरी और लास्ट सोमवार 8 अगस्त को पड़ रहा है। सावन का आखिरी सोमवार है, आपको जितने भी शुभ कार्य आना जाना या घर बदलना सब कुछ आप मतलब सावन जो 12 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। अगली चीज़ क्या है कि हम सभी को सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने घर की साफ़ सफाई करने के बाद शिव जी को जल अर्पित करने हमें जानी है। अगर तीन सोमवार में आप नहीं कर पाए या एक दो छूट गया, किसी कारणवश करने लायक नहीं था या घर में कुछ और प्रॉब्लम हो गया, तो आखिरी में कम से कम कहा जाता है ना, अंत भला तो सब भला। ठीक है, अगर आखिरी में हम भगवान को प्रसन्न कर दिए और सही से सब कुछ कर लिए तो वही हमारे लिए भला हो जाएगा। अगर पहला दूसरा तीसरा हम नहीं कर पाए तो आखिरी कभी मत छोड़िएगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग को समझ में आ गया। अगली चीज़ क्या है कि देखिए, आप लोगों ने अगर समय से उठ गए हैं तो अपने घर की मंदिर की साफ़ सफाई करके, पूजा पाठ करके आप शिवालय जा सकते हैं पूजा करने, भगवान को जल अर्पित करने, मतलब अभिषेक करने। अगर समय से नहीं उठे हैं, लेट हो गया है, तो आप क्या कीजिए, मंदिर की साफ़ सफाई करके भगवान का बर्तन, आप लोग पूछते हैं दीदी रात में ही धो लें, तो हाँ रात में भी आप भगवान का बर्तन धो सकते हैं। एक चीज़ और आप लोग पूछते हैं, दीदी आपका बर्तन बहुत चमकता है, आप किस चीज़ से धोती हैं, तो मैं आपको बता दूं, देखिए मैं कोई मतलब एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन बता दे रही हूँ, मेरी बहनों को बहुत आराम मिलेगा बर्तन धोने में, आसानी से बर्तन चमक जाएंगे। इसमें कई लोगों को मालूम भी होंगे, पीताम्बरी एक आता है ना, आप दुकान में बोलिएगा ना, उसी से हम बर्तन साफ़ करते हैं पूजा के। ठीक है, अगली चीज़ क्या है कि आप लोग कहते हैं कि तांबे से महिलाएं शिव जी को अभिषेक नहीं करती। देखिए, तांबे के लोटे में जब आप केवल जल और अक्षत और तिल डालकर करेंगे तो आप कर सकते हैं, कई ऐसी मेरी बहनें कमेंट की थी, लेकिन उसमें दूध और गुड़ ये सब चीज़ें डालना मना होता है, क्योंकि मदिरा स्वरूप विष स्वरूप हो जाता है, तो इसीलिए उसमें मना किया गया है। लेकिन केवल जल डालनी है तो हम डाल सकते हैं, आगे आपकी मर्जी, आप अपना देख लीजिएगा आपको कैसे करनी है। पीतल है तो पीतल लीजिए, फूल का बर्तन है, फूल का लोटा है तो वो लीजिए, और आपको जाकर भगवान को मतलब अभिषेक करके आनी है। बेलपत्र पे आखिरी दिन है, समय हो तो दो पांच बेलपत्र लेके उस पर भगवान का नाम लेके राम राम तो पक्का लिख लीजिएगा। और मैं तो कहूँगी कुंवारी लड़कियाँ मन में अपने जो ही वर की कामना करती हैं, चाह रही हैं ऐसा मिलता जीवन साथी वैसा मिलता, तो थोड़ा सा मेहनत करके हर पत्ते पर राम लिखकर भगवान को जरूर अर्पित कीजिए, मन में शौक रख के, क्योंकि सावन का पूजा ना कहीं जाता नहीं है, भाग्य में एकदम लिख ही गया होगा तो नहीं मिलता है, लेकिन अच्छे वर की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से आप लोग बेलपत्र वगैरह चढ़ा लीजिएगा। और अगली चीज़ क्या है कि चंदन का, जो बता चुकी हूँ हमेशा मैं अपने कम्युनिटी में लिखती भी हूँ, तो मेरी बहनें कहती हैं कि दीदी हम लोग लाए थे और प्रणाम कर लिए थे, अपने पति से बड़ा हमारे लिए कोई परमेश्वर नहीं है, तो हमें ज़रूर आपको करनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि शादी के लिए, तो देखिए शादी के लिए आप लोग सोमवारी का मतलब 16 सोमवार का व्रत उठाना चाह रहे हैं, तो सावन से शुभ और सुंदर दिन नहीं है। तो आप लोगों ने कहा था कि दीदी पिछले जो शुक्ल पक्ष तिथि में उठाए
है तो और भी अच्छा है, ऐसे तो सावन के हर व्रत मतलब शुभ हैं। तो आप क्या कीजिए कि ऐसे शुक्ल पक्ष में जो 1 अगस्त को पड़ा था तो मैं बोली थी, तो कई ऐसी मेरी बहनें हैं ना कि नहीं कर पाई थी, उनको करने के लायक नहीं था, तो आप 8 अगस्त से भी उठा सकते हैं। और ये भी बता दूँ कि सोमवार के व्रत में, 16 सोमवार के व्रत में नमक नहीं खाते हैं, एक समय भोजन करते हैं लेकिन मीठा भोजन करते हैं। आपको नमक नहीं खानी है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है तो सेंधा नमक खाइए, क्योंकि शिव जी के व्रत में अगर हम नमक ना खाएं तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। चूरमा वगैरह आप लोग बनाते हैं, चूरमा देख लीजिएगा 3 भाग और 4 भाग कैसे प्रसाद, ऐसा हम लोग नहीं करते हैं, केवल शिव जी को जो ही प्रसाद बनाते हैं, हलवा पूड़ी रोटी पराठा, वो भगवान को हम भोग लगाते हैं और शाम को वही हम खाते हैं, गुड़ वगैरह खाते हैं, ठीक है। कई ऐसे लोग सेवई भी खाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो 8 अगस्त को अगर आप चाहें तो सोमवार का, 16 सोमवार का व्रत उठा सकती हैं। अगली चीज़ क्या है कि दीदी हम ससुराल से उठा रहे हैं तो मायके में क्या उद्यापन कर सकते हैं 17वें सोमवार का? तो हाँ, आप कहीं भी कर सकती हैं, कहीं भी उठा सकती हैं, कहीं भी कर सकती हैं। भगवान का नाम तो हम जंगल में भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी ले सकते हैं जहाँ आप हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि आप लोगों ने पूछा है कि अगर हम मासिक धर्म में है, पीरियड में है, तो दीदी क्या उस व्रत को गिना जाएगा? तो देखिए, कुछ लोगों का मान्यता है कि उस व्रत को हम गिनते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जब तक हम पूजा नहीं करते तो उस व्रत को हम नहीं मानेंगे। तो आप देख लीजिए आपका मन क्या कह रहा है, आपके घर में क्या रीति रिवाज है, नियम है, तो उसके अनुसार आप लोग कर सकते हैं। अगर पूजा नहीं कर सकते तो अपने हस्बैंड से करवा दीजिए तो भी गिनती माना जाएगा, अपनी सास से करवा दीजिए। आप व्रत केवल रख लीजिए, व्रत नहीं छोड़नी है, आप किसी भी पीरियड में है, मासिक धर्म में व्रत नहीं छोड़नी है, लेकिन आप किसी से पूजा करवा कर भी उसका लाभ, संपूर्ण लाभ ले सकती हैं। खुद से करनी है तो ऐसा भी कर लीजिए, लेकिन उसको गिना जाता है। लेकिन कई ऐसे लोग कहते हैं कि खुद से पूजा ना करो तो गिना नहीं जाता, तो ये भी मैं क्लियर कर दी, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगली चीज़ क्या है कि जितनी माताएं हैं अपने लड़के की शादी चाहती हैं, तो माता पार्वती को अगर अभी तक आपने मतलब साड़ी कपड़ा कुछ चढ़ा कर नहीं रखा है बहू के लिए, तो चढ़ा लीजिएगा, लास्ट सोमवार है, ज़रूर सावन का रखा हुआ हर चीज़ शुभ होता है। और महिलाएं भी ऐसा कर लेंगी, जितनी लड़कियां हैं सुहागिन महिलाएं हैं, ऐसे तो मैं बता चुकी हूँ कि माता रानी को सिंदूर चढ़ा कर और अपने सिंदूरा में पक्का रख लीजिएगा सावन में, थोड़ा सा भी रखिएगा लेकिन रखिएगा ज़रूर। तो ये भी हो गया। अगली चीज़ क्या है कि दीदी जैसे मैं शादी के लिए एक उपाय बताई थी कि आप लोग पार्वती माता के फोटो के पीछे, प्रतिमा के पीछे अगर आपके घर में है तो आप पीला या लाल कपड़ा लेके उसमें मुद्रा और सुपारी बांध के उनके फ़ोटो के नीचे एप्लीकेशन लगा दीजिए, अर्जी दे दीजिए। पिछले सोमवार में मैं बताई थी, अगर आप किसी कारणवश नहीं कर पाई हैं सोमवार में, आप ये नियम ज़रूर कर लीजिए। आप लोग पूछे हैं दीदी भाई के लिए कर सकते हैं, तो देखिए भाई के लिए भी, बहने चाहे तो भगवान से कुछ मांगने में क्या शर्म क्या लाज, हम करके देखते हैं, कौन जानता है कहीं संपूर्ण हो जाए। लेकिन ये सब नियम जरूर होते हैं, कुंवारी लड़कियों के लिए तो ये नियम बने हैं। देखिए कई लोगों के ना बड़ा आसानी से शादी विवाह बाल बच्चे एकदम इजीली हो जाते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग के ना होते हैं थोड़ा सा परेशान करके हमें होते हैं, तो इसीलिए आप लोग को भगवान के शरण में पक्का जानी चाहिए और ये नियम करके देखिएगा। और उस पैसे को अगर शादी हो जाती है, आप लोग पूछते हैं क्या करें, सुपारी को गांठ बांध के कहीं रख दीजिए, लेकिन पैसे से आप लोग सुहाग की चीज़ें खरीद लीजिएगा। समझ में आ गया, तो ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है कि शादी के लिए देखिए मैं बताई थी कि 108 बार मंत्र, महामृत्युंजय का मंत्र ना बहुत अधिक शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। तो अगर 3 सोमवार में आप गलती से नहीं कर पाए हैं तो ये आखिरी सोमवार में जितने भी पुरुष हैं महिला हैं, ये 108 बार ज़रूर आप लोग महामृत्युंजय का मंत्र शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, घर के जितने भी कष्ट और परेशानी है उसका कटित होता है अगर हम महामृत्युंजय का मंत्र अपने घर में करें तो। सावन क्या हमें रोजाना करनी चाहिए 11 बार, आप करके कुछ दिन ही देखिए, ऐसा नहीं है चमत्कार नहीं है कि आज हम किए तो कल भगवान एकदम हमारे ऊपर पैसे की बरसात करने लगेंगे, घर में सुख समृद्धि कहीं से भेज देंगे, देखिए ऐसा नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं उससे हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है।
अगली चीज़ क्या है कि शिव जी का प्रसाद नहीं खानी है। बहुत पहले मैं बता चुकी हूँ कि आप लोग ना खाएं नारियल। आप लोग कहते हैं कि दीदी हम नारियल भगवान को चढ़ाते हैं तो वो प्रसाद लेकर आए कि नहीं। देखिए नारियल का पानी चढ़ाते हैं शिवलिंग पे, नारियल के अंदर जो पानी रहता है ना वही चढ़ाते हैं, और नारियल जो है शिवलिंग से टच ना कराएं, केवल पानी ही चढ़ा दें और नारियल वापस लेकर आ जाएं। आप खाइए फलाहार में, वो उसको ले सकती हैं और बच्चों को दे सकती हैं, लेकिन अगर पंडित जी वगैरह देते हैं तो बच्चों को दे दीजिए, नहीं देनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि आदमी गरीब होता है, कौन गरीब बनना चाहेगा, रिस्क कौन लेगा बताइए। तो इसीलिए आपको नहीं लेनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि शुभ नहीं होता शिव जी के ऊपर, मतलब शिवलिंग के ऊपर किसी भी प्रकार की चीज़ें, मुद्रा हो या वो फल फ्रूट हो, हमें नहीं खानी चाहिए। तो गलती से भी पति को तो पक्का मत दीजिएगा, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। ऐसे लोग कहते हैं कुंवारी लड़कियाँ और प्रेग्नेंट लेडीज़ का तो सही बात है, प्रेग्नेंट जो महिलाएँ हैं वो सूर्यदेव को जल भी नहीं देती और शिवलिंग को हाथ नहीं लगाती, टच नहीं करती हैं। मंदिर घूमने जाते हैं कि नहीं, आप लोग कहते हैं मंदिर में जा सकते हैं, किसी और भी देवी देवता के मंदिर आप दर्शन के लिए जा सकते हैं, लेकिन शिवलिंग को हाथ नहीं लगाते हैं। रही बात कुंवारी लड़कियों की, तो देखिए कुंवारी लड़कियां जो हैं शिवलिंग की पूजा करती हैं, शिव जी से अपने मनवांछित वर के लिए, अपने चाह के लिए पक्का पूजा करती हैं। अब बाकी आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन शिवलिंग को टच करती हैं। लेकिन कई ऐसे लोग कहते हैं नहीं करती हैं, ऐसा नहीं है, शिवलिंग को लड़कियां टच करती हैं। एक और चीज़ बता दूं, घर में आप लोग बार बार पूछते हैं, मैं ऐसे तो कई वीडियोज में बता चुकी हूँ कि घर में चढ़ा हुआ प्रसाद जो भगवान को हम चढ़ाएं अर्पित किए हैं, दीदी क्या वो प्रसाद हम खा सकते हैं? तो हाँ, घर का प्रसाद खा सकते हैं, शिव मंदिर का प्रसाद शिवलिंग के ऊपर का न खाएं। सारी बातें मैं आपके साथ क्लियर कर दी। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।